लगभग दो सालों के बाद पूरे देश भर में एक बार फिर से पर्व त्योहार को लेकर के उत्साह देखने को मिल रही है। दुर्गा पूजा के बाद अब जो है दिवाली और छठ पूजा आ रही है। ऐसे में रांची नगर निगम की क्या कुछ खास तैयारियां हैं दिवाली और छठ पूजा को लेकर के, इसको लेकर के हमारे साथ रांची के डिप्टी मेयर हैं संजीव विजयवर्गीय जी। संजीव जी, ये बताइए कि अब चूंकि दुर्गा पूजा काफ़ी जो है उत्सुकतापूर्वक यहाँ पर समापन हो गया, अब जो है दिवाली और छठ पूजा, तो छठ पूजा को लेकर के तालाबों की बात करें, साफ सफाई की बात करें, तो क्या कुछ तैयारियां रांची नगर निगम कर रहे हैं? देखिए, दिवाली और छठ एक प्रमुख त्यौहार है जिसमें सफाई और स्वच्छता प्रमुख अंग है। दुर्गा पूजा बीतने के बाद हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि छठ के पहले ही अभी से ही तालाबों को अच्छे ढंग से सफाई कर दें। लगातार हमारे लेबर्स लगे हुए हैं, रोज़ विसर्जन का काम भी चल रहा है। हिंदू धर्म में लगातार पूजाओं का अभी श्रृंखला रहता है और विसर्जन भी होता है, लेकिन रोज़ इन विसर्जन को हम कैसे साफ कर सके, उसके लिए सभी लोगों को, टीम को हर एक तालाब में लगाया हुआ है। मैं समझता हूं कि पिछले बार के हिसाब से इस बार आप तालाबों की स्थिति को अच्छा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले से हम खराब स्थिति में हैं, और हम विश्वास दिलाते हैं रांची की जनता को कि लगातार हम अपने काम से सभी तालाबों को भी साफ रखेंगे और छठ को बिल्कुल स्वच्छ वातावरण में करने का, एक तालाब भेंट करने का काम करेंगे। हम लोग और भी काम कर रहे हैं, जैसे दिवाली में सभी घरों से कचरा बहुत मात्रा में निकलता है, तो हम विशेष टीम लगा के, कुछ अलग ट्रैक्टर्स लगा के इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि लोगों के कचरों को हम तुरंत उठा के झेदी भेज सकें। तो ये रेगुलर चलने वाला काम विशेष निगरानी पर्व त्यौहार के चलते हम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा। संजीव जी, अगर छठ पूजा की बात करें तो इस बार काफ़ी भीड़ होने की संभावना है और भीड़ ज़रूर होगी भी, क्योंकि जिस तरीके से दो सालों से कोरोना काल की वजह से छठ पूजा बहुत ही ज़्यादा जोर शोर से नहीं मनाया गया था, इस बार काफ़ी भीड़ होने की संभावना है, तो भीड़ को देखते हुए क्या कुछ तैयारियाँ? देखिए, दो वर्ष कोरोना से प्रभावित हुआ था और उसके बाद इस बार दुर्गा पूजा भी आपने देखा कि जो आप जिस तरह से दर्शनार्थी जा रहे थे वो अभूतपूर्व थे, और पूरा उम्मीद है दीपावली या छठ भी उतना ही उत्साह से लोग मनाने जा रहे हैं। तो हम बिल्कुल अस्वस्थ हैं और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि लोग जब निकले तो उनको ये वातावरण महसूस ना हो, खराब महसूस ना हो कि इस बार नगर निगम के तरफ से कोई कमी है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हम लोग बड़ी भीड़ को भी संभालने का काम करेंगे, और जहाँ जहाँ तालाबों में पानी ज़्यादा हो गया है वहाँ NDRF को लगा के और बांस बल्ली से बैरिकेटिंग करके सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी उसको तैयार करेंगे। बिल्कुल, तो ये थे रांची के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, जिनका कहना था कि अब दिवाली और छठ को लेकर के रांची नगर निगम पूरी तरीके से तैयार है। सहयोगी प्रशांत मित्रा के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस रांची।